हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं गीतांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल गुड कर्मा 1111 में। गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि लोगों की सोच में क्या परिवर्तन आया है आपके व्यक्तित्व को लेके। ओके, यही देखेंगे हम आज की रीडिंग में कि आपके व्यक्तित्व को लेके लोगों की सोच में क्या परिवर्तन आया है। टाइमलेस रीडिंग रहेगी, तो जब मिलेगी तब रेजोनेट करेगी। साथ ही जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, तो आप लड़के हैं लड़की हैं दोनों के साथ रेजोनेट करेगी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सो प्लीज़ ओपन माइंड होके देखिएगा, जितना रेजोनेट करता है उतना ही रखिए, बाकी का छोड़ दीजिए। और गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम आईडी पे, जो कि मैंने अबाउट सेक्शन में लिंक कर दी है। बॉटम ऑफ डेक आया है एस ऑफ सोर्ट्स, मैं जल्दी से कार्ड्स को अरेंज कर लेती हूँ। आई होप गाइस कार्ड विजिबल होंगे आप सभी को। तो लोगों की सोच में क्या बदलाव आया है आपके व्यक्तित्व को लेके। गाइस, मुझे ऐसा लगता है ना, बहुत चेंज आया है, और वो भी ऐसा कि पहले उन्हें ना आप एक ऐसे व्यक्ति लगते थे जो बहुत ज़िद्दी है, जो किसी की बात नहीं मानता था, जो बहुत जल्दी हर्ट हो जाता था, बहुत जल्दी पैनिक करने लगता था, या बहुत जल्दी जिसे टेंशन हो जाती थी, जो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाता था, और ट्रस्ट करता था तो ऐसे लोगों पे कर लेता था जो उसको धोखा दे देते थे या उसके साथ चीटिंग करते थे। ऐसा कुछ था आपके साथ कि आप विश्वास करते थे तो ऐसे लोगों पे कर लेते थे कि जो आपका विश्वास तोड़ देते थे, और जो आपके लिए सही थे उन लोगों पे आप ट्रस्ट नहीं करते थे, वही धोखा खा के तो वो लोग भी ये सोचते थे कि ये कैसा इंसान है जो इंसान को परख ही नहीं पाता है, जो किसी के अंदर की मैं कहूँ चालाकी को पकड़ ही नहीं पाता है, जो बातों में आ जाता है, मतलब बहुत यंग एनर्जी का पर्सन समझते थे आपको, जो गलत लोगों पे विश्वास कर लेता है, जो विश्वास के लायक है वो उन्हें उन गलत लोगों की वजह से छोड़ देता है। ओके, बट अब चेंज आया है। अब आप एक ऐसे व्यक्ति लगते हो जो घुल मिल के काम करना पसंद करता है, जैसे समय ने सिखा दिया है कि पैसे कैसे अर्न करने हैं। और मुझे ऐसा लगता है ना कि यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वक्त के साथ या लोगों के दिए हुए धोखे हालातों की वजह से ना आप इमोशनली कम और प्रैक्टिकली अब ज़्यादा सोचते हो, टाइम स्पेंड करते हो फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ, अपनी इमोशनल साइड दिखाते हो, बट ज़्यादातर ना उसको दबा के रखना बेहतर समझते हो, क्योंकि वो आपके करियर में बाधा बन जाती है, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने ट्रस्ट कर लिया तो ये मेरा ट्रस्ट तोड़ देंगे, ये मुझे बहुत बुरा हर्ट कर देंगे, मेरे साथ बहुत बुरा चीटिंग या धोखा हो जाएगा पास्ट की तरह। तो अब ना आप ज़्यादातर प्रैक्टिकली होकर चलते हैं। अब आप एक बिजनेसमैन हैं तो ये नहीं कि आप अपने एम्प्लॉय को अपने वर्कर्स को ना परेशान कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखते हो, उन्हें टाइम पे सैलरी मिले, और अगर उन्हें टाइम पे छुट्टी चाहिए या कैसी भी छुट्टी चाहिए किसी प्रॉब्लम में है तो आप वो सब चीज़ें करते हो। अगर आप ऑफिस में भी हो तो लोगों के साथ अच्छी बॉन्डिंग बना के चलते हो, उनकी हेल्प करना आपको पसंद है, उनसे बातचीत करना, उनसे इंटरेक्ट करना, उनके साथ काम करना आपको पसंद है, लेकिन अब आप ओवर इमोशनल पर्सन नहीं हो भी जो आराम से आपको इमोशनली फूल बना दे कोई भी, अब वो वाली बात नहीं रही है, अब वो चीज़ नहीं रही है कि गलत इंसान को चूज़ कर लिया, उस पर ट्रस्ट कर लिया और उसकी वजह से धोखा या चीटिंग खाया, या अकेले मेहनत कर रहे हो स्ट्रगल कर रहे हो क्रेडिट कोई और ले जा रहा था, शायद पास्ट में कुछ ऐसा हो रहा था, बट अब आप मेहनत भी खुद करते हो उसका फल भी आपको ही मिलता है, तभी आप किंग बने। और ये एक ऐसा किंग है जो ज़रूरतों का ख्याल रखता है, जिसे अच्छे से पता है कि हाँ मुझे पैसा कैसे कमाना है और उससे अपनी फैमिली को किस तरीके से खुश रखना है, उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करना है, इसे अच्छे से पता है। और इसे ये भी पता है कि मुझे क्या क्या अपनी लाइफ में अचीव करना है, नया घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, या कितना पैसा अर्न करना है, मतलब उसे सब कुछ पता है अच्छे से, ये बहुत बैलेंस है।
और साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है आपकी इंट्यूशन पावर भी हाई हुई है, या तो आपने मेडिटेशन वगैरह करना शुरू किया है जिसकी वजह से आपकी इंट्यूशन पावर हाई हुई है। तो अब आप लोगों को पहचानना सीख गए हैं, लोगों से अब आपको धोखे मिलते नहीं हैं, या अगर कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा होता है या आपको ना मीठी मीठी बातों में फंसाने का ट्राई कर रहा होता है, इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा होता है, तो आप वैसे भी उस इंसान से दूर रहते हो, उस व्यक्ति से आप दोस्ती करना भी पसंद नहीं करते, उसके साथ काम करना भी आपको पसंद नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि पास में इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आपने धोखा खाया, आपने चीटिंग देखी है, इसी वजह से अब आप एक्सेप्ट नहीं करते, आप पैसे को चूज़ करते हो। आपको कोई इमोशनली फूल बना रहा हो कि भाई कल ले लेना पैसे, परसों ले लेना पैसे, आप फिर अपना रूप दिखाते थे कि भाई मेरा पैसा मुझे दे, या ये मेरी चीज़ है, या ये काम मेरा है, मतलब जो भी पैसे से रिलेटेड हो। अब कोई भी आपको इमोशनली फूल नहीं बना सकता, या आप बनते नहीं हो, आप सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे बोलना जानते हो कि भाई पैसे कब दोगे, और ये भी चीज़ आ गई आपको, आपको अच्छे से पता है मुझे काम, फाइनेंस, इमोशंस और मैं कहूँ एनर्जी इन्वेस्ट करनी है, आपको वो चीज़ भी अच्छे से पता है। साथ ही मैं कहूँ आपके व्यक्तित्व को लेके लोगों की सोच में ये भी परिवर्तन आया है कि सर्कल चेंज हुआ है, लाइक पहले बहुत स्ट्रगल था, बहुत कम छोटा सा बिजनेस था, अब वो चीज़ें बढ़ रही हैं, लोग आपके साथ चलने वाले बढ़ गए हैं, जो बिज़नेस छोटा सा था अब वो बड़ा हो गया है, जहाँ रहते थे वहाँ से शिफ्ट हो गए हो कहीं बड़े घर में, या अगर आपको अब्रॉड सेटल होना है, पहले नहीं हो पा रहे थे, पहले व्यवस्था नहीं बन पा रही थी, चीज़ें नहीं हो पा रही थी, वीज़ा नहीं लग रहा कि कभी कुछ कि कभी कुछ, अब वो चीज़ें भी नहीं हो रही, अब आपके लिए रास्ते खुले हैं। साथ ही लोग भटकाने वाले आते हैं, लोग आपको बहकाने वाले भी आते हैं, जो आपको इन चीज़ों से, जिस डायरेक्शन में आप अभी चल रहे हो ना सीधे सीधे, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो आपको भटकाना चाहते हैं, जो आपका बुरा चाहते हैं, जो आपसे जलते हैं, जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, लेकिन आप उन सभी लोगों को पार करके चले जाते हैं, उन पर ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि आपने अब डिसाइड कर लिया है कि मेरा गोल कहाँ है, मुझे क्या चीज़ अचीव करनी है, मेरा रास्ता कैसा है, आपको पता है कि मेरा रास्ता सीधा है तो मुझे सीधे ही जाना है। अगर कोई मुझे भटका रहा है कि नहीं भाई यहाँ से शॉर्टकट मार लो, यहाँ से चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो, इस तरीके से जल्दी पहुँच जाओगे, उस तरीके से जल्दी पहुँच जाओगे, वो उन सब चीज़ों में अब आप फंसते नहीं। दिमाग बहुत तेज़ हो गया, बहुत शार्प माइंडेड पर्सन हो आप, बहुत इंटेलिजेंट, चैरियट को कोई नहीं हरा सकता, ये लंबी रेस का घोड़ा होता है, ये बना ही जीत के लिए, ये कभी नहीं हारता, इसके ऊपर ब्लेसिंग भी है, ये जिस भी रिलीजन का हो, जिस भी धर्म का हो, और इसके पितृ भी इसका साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ पर्सन भी है, ये अपने रिलीजन, अपने गॉड में भी बिलीव रखता है, एंजल्स में भी बिलीव रखता है, तो जिस भी भगवान को या जिस भी धर्म का है या जो भी ये चीज़ें करता है, भले ही चाहे ये नहीं कि एक एक घंटा भगवान के आगे हाथ जोड़ के खड़ा रहे, ऐसी चीज़ें नहीं, बट आप दिल से भी याद करते हो ना, आपकी प्रार्थना कबूल की जाती है, आपकी प्रार्थना को स्वीकार किया जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके अंदर कुछ भी मैल नहीं है, आप किसी का बुरा नहीं चाहते, आप जस्ट अपनी जो जगह है उसको अचीव करना चाहते हो, या अपना इस दुनिया में नाम कमाना चाहते हो, आपको किसी से ईर्ष्या नहीं है, ना ही आपको किसी से कंपटीशन करना है, आपका रास्ता अलग है, आपकी मंजिल अलग है, इसलिए आपके भगवान, आपके पितर, आपके एंजल्स, जिनमें भी आप बिलीव करते हो, आपके गुरु भी हो सकते हैं, आपके टीचर्स, जिनमें भी आप बिलीव करते हो, जिनको भी आप मानते हो, वो हमेशा आपके सपोर्ट में हैं, हमेशा उनकी ब्लेसिंग आपके ऊपर रहती है। इन सब चीज़ों में ना आप एक चीज़ और करें, अगर आप ये करते हो वो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते इस चीज़ को ज़रूर 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 करो, एक तो ये कि आप बर्ड्स को खाना दो, बर्ड्स के लिए खाना रखो, पानी रखो, बहुत बेस्ट है। दूसरा, जितना हो सके ना वाटर को सेव करो, कभी कभी ये होता है ना कि ना चाहते हुए भी, क्योंकि ये हम सबसे होता है, हमारे हाथ में नहीं है, बट जितना हो सके ट्राई कीजिए कि वाटर का ना वेस्टेज कम हो, ये चीज़ का ध्यान आप ज़रूर रखें। नेचर वॉक करना आपके लिए बेस्ट है। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि ये जो आपके
पास ब्लेसिंग आ रही है, जो लोगों को दिख रही है, आपके अंदर जो चेंज दिख रहा है, आपकी पर्सनैलिटी में जो चेंज दिख रहा है, आप जिस मंजिल पे पहुंच रहे हो वहाँ पे और आपको ब्लेसिंग मिल जाए जिससे आप और जल्दी पहुंच सको। बस मैं यही चीज़ बोलना चाहती हूँ और ये रेमेडी बताने का भी यही रीज़न है। अगर करो बहुत अच्छी बात है, ना करो वो आपकी मर्ज़ी है, बट आप करोगे आप देखोगे और जल्दी सक्सेस मिलेगी आपको। बर्ड्स को खाना डालना, बर्ड्स को खाना देना, पानी रखना उनके लिए बेस्ट है, बेस्ट 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 रेमेडी है। और प्लीज़ उसको अपने टेरेस पे मत रखना, छत पे मत रखना, राहु ख़राब हो जाएगा। खुली जगह पर जहाँ लोग डालते हो ना, खुले ऐसी पार्क वगैरह में कहीं डालते हो वहाँ डालोगे बेस्ट है। और दिमाग आजकल आपका इतना क्रिएटिव हो गया है, जो भी दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं, अगर आपको अभी फ़िलहाल लग रहा है ना कंफ्यूज भी हो रहे हो, लोगों की ये भी सोच है कि यार इसके दिमाग में ना ये आइडिया चल रहे हैं, आपने किसी को बताया भी है तो अगर आप अभी कंफ्यूज हो रहे हो ना, उसमें एक्शन ले लो। या लोगों को ये लगता है कि भाई इसको एक्शन ले लेना चाहिए क्योंकि इसका जो आइडिया है वो बेस्ट है, अगर ये इस आइडिया पर ये काम करता है इसको पक्का सक्सेस मिलेगी। मे बी शायद अभी आपने कुछ नया सोचा है करने का, उस चीज़ को लेके भी है कि भाई इसको करना चाहिए, लोगों की सोच यही है और यही परिवर्तन आ रहा है कि भाई इसको करना चाहिए। जो आइडियाज़ आ रहे हैं ना दिमाग में उस पर एक्शन लो, या एक्शन ले रहे हो बहुत अच्छी बात है क्योंकि उन्हें सक्सेस दिख रही है। लंबी रेस के घोड़े हो, कैसे हार जाओगे, अब तो लोगों को भी लगने लग गया है। बॉटम ऑफ डेक आया है सिक्स ऑफ कप्स, तो लोगों की सोच में क्या परिवर्तन आया है आपके व्यक्तित्व को लेके। गाइस लोगों को ना यही लगता है कि आपको ना पास्ट वाली चीज़ें नहीं करनी चाहिए, साथ ही आपको ये भी चीज़ या ये भी जिद छोड़ देनी चाहिए कि आप अकेले ही सब कुछ हैंडल कर लोगे। आप ये चीज़ मत करो कि लोगों की हेल्प लेना, लोगों के साथ सलाह मशवरा करके एक्शन लेना, काम करना साथ मिलके, तो उसे चेंज मत करो। मे बी शायद ऐसा हो सकता है कि रिसेंट में या अब आपको लग रहा है कि कुछ कुछ चीज़ें या कुछ कुछ काम मैं खुद कर लूँगा, मुझे ज़रूरत नहीं है लोगों की, मैं हैंडल कर लूँगा, मेरा काम है। या आजकल आप लोगों के सामने ये चीज़ प्रटेंड कर रहे हैं कि भाई मैं अकेला कर सकता हूँ, मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है, जिनकी ज़रूरत होगी जब होगी मैं ले लूँगा मदद, तो वो चीज़ आप छोड़ दो, वो ज़िद आप छोड़ दो। शायद वो ज़िद कर रहे हो आप आजकल, तो उससे क्या हो रहा है ना, काम में आपके नुकसान हो रहा है और वो चीज़ उन्हें दिख रही है कि आप कभी कभी ना बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हो। एम्परर आया है कि मैं बॉस हूँ भाई, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं जो बोल दूँगा वही आगे सबको मानना है, उसी को सबको फॉलो करना है। तो उस चीज़ को लेके ना लोग यही सोचते हैं आपके व्यक्तित्व को लेके कि अच्छा है, इस पोजीशन पे आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, सक्सेस पा रहे हो वो बहुत अच्छी बात है। बट कहीं ना आपको एक तो ये ज़िद छोड़ देनी चाहिए कि अकेले मैं सब काम कर लूँगा, अकेले मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे चीज़ें बिगड़ रही हैं और वो चीज़ आपको भी दिख रही है, इन्हें भी दिख रही है। दूसरा, आप जो ये नॉलेज गेन कर रहे हो वो बहुत अच्छी बात है, लोगों को दिख रहा है कि जो आप अपने अंदर चेंज ला रहे हो ना, अपने काम को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए नॉलेज भी लेनी पड़ेगी, सपोर्ट भी चाहिए, तो सब कुछ को साथ लेके चलो। ये चीज़ छोड़ दो, नॉलेज गेन कर रहे हो, आजकल स्टडी वगैरह भी कर रहे हो किसी चीज़ की, वो बहुत अच्छी बात है, पंचुअलिटी में आ गए हो, पंचुअल हो गए हो अपने काम को लेके, अपने टाइम को लेके, वो बहुत अच्छी बात है। उसको लेके लोग यही सोचते हैं कि चलो अच्छी बात है, ये इंसान पंचुअलिटी को फॉलो कर रहा है, पंचुअल हो गया है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आप में उतनी काबिलियत है, आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए कि अपनी उस काबिलियत पे घमंड करो या ईगो दिखाओ या ये सोचो कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है वाली चीज़। तो थोड़ा सा ना अगर सपोर्ट लग रहा है, सपोर्ट चाहिए तो वहाँ लो,
तो वो चीज़ मत दिखाओ, ज़िद्दी मत बनो, ना ही अपने आप को प्रूफ करने में लग जाओ कि मैं सब कुछ कर लूँगा, मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं इतना पावरफुल इंसान हूँ, मैं ऑर्डर देता हूँ, मैं ऑर्डर नहीं लेता। तो आपको थोड़ा सा अपने माइंडसेट को चेंज करना चाहिए। और एक और चीज़ जो मैंने आपको पहले भी बोली थी कि अब आप शायद प्रैक्टिकल ज़्यादा सोचते हो, इमोशनल कम हो, अपनी इमोशनल साइड को दबा के रखते हो। इससे मैं कहूँ कि आपको किसी पे चाइल्डहुड क्रश है, या किसी को आप पर है, या आपका किसी के साथ रिलेशनशिप है, तो बेसिकली मैं यही कहना चाहती हूँ, अपनी फैमिली पे फोकस करो। जहाँ आपको लगता है कि हाँ या मुझे अपनी इमोशनल साइड दिखानी चाहिए, वहाँ ज़रूर दिखाओ, क्योंकि कहीं ना आप रफ और टफ़ बनने के चक्कर में ना अपनी इमोशनल साइड को बहुत ज़्यादा दबा रहे हो। इंट्यूशन पावर हाई है, लोगों को अच्छे से परख लेते हो, जान लेते हो उनके मन में क्या है, इतने अच्छे रिलेशनशिप हैं आपके। और मुझे ऐसा भी लगता है कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, शायद वो आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, मुझे ऐसा लगता है, तो वो यही चाहते हैं कि भाई उन पे भी फोकस करो, वो बहुत अच्छी चीज़ है। आपके जो इतने अनमोल से प्यारे से जो रिलेशनशिप है, उन पे फोकस करो, और थोड़ा सा ना ये ज़िद्दी पना छोड़ दो आप कि मैं कर लूँगा, मैं बॉस हूँ, मुझे सब आता है, मैं खुद हैंडल कर लेता हूँ, कर लूँगा या कर लूँगी, वो वाली चीज़ें आप छोड़ दो, क्योंकि वो सही नहीं है, लोगों को ऐसा लगता है। और ये चीज़ है भी कि अगर आपको यही लगता रहेगा कि मैं सब हैंडल कर लूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा मत करो। जहाँ आपको लगता है कि हाँ मैं यह कर सकता हूँ, वहाँ करो। जहाँ आपको लगता है कि हाँ मैं यहाँ अकेला नहीं काम कर सकता, तो वहाँ हेल्प ले लो। वहाँ ईगो पे मत आओ, वहाँ पे ये चीज़ मत सोचो कि यार मैं छोटा साबित हो जाऊँगा, वो चीज़ मत लाओ अपने अंदर। यही लोगों को लगता है कि अपने व्यक्तित्व में जो इतना चेंज लाए हो, इतना बदले हो, ड्रेसिंग स्टाइल चेंज किया है, कम्युनिकेशन का तरीका चेंज किया है, और नॉलेज गेन की है, और मैं कहूँ डिसीज़न लेने का तरीके में बदलाव लाए हो, एक पावरफुल इंसान बने हो, तो उसके चक्कर में आप अपनी इमोशनल साइड को मत दबाओ, रिलेशनशिप ख़राब मत करो, रिलेशनशिप पे भी फोकस करो। या गाइस मुझे यही दिख रहा है, अगर मैं आपकी बर्थ डेट की बात करूँ तो 3/12/21 हो सकती है, 10/19/28 हो सकती है, 4/13/31 हो सकती है, 7/16/25 हो सकती है, 9/18/27 हो सकती है, और 6/15/24 हो सकती है। और अगर मैं बर्थ मंथ की बात करूं तो यहाँ पे मुझे जनवरी दिख रहा है, मार्च, अप्रैल, जुलाई, जून, सितंबर और अक्टूबर, यही मुझे बर्थ मंथ दिख रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि आजकल आपको एंजल नंबर 333 बहुत दिख रहा हो, ऐसा हो सकता है। तो अगर आप चाहें तो गूगल करके मीनिंग भी देख सकते हैं, और मीनिंग कमेंट में भी लिख दिया करो गाइस, हेल्प हो जाती है, क्योंकि कुछ कुछ लोगों को नहीं पता होता कि भाई कैसे देखें, या देख भी लेते हैं तो उन्हें नहीं समझ आ रहा होता, तो अगर आप हेल्प कर दोगे तो बहुत अच्छा है कि क्या मीनिंग होता है अगर किसी को करनी है तो। ओके, तो एंजल नंबर 333 आजकल आपको बहुत दिख रहा हो, ऐसा हो सकता है। जोडियक साइन की बात की जाए, यहाँ एयर साइन भी है, फायर साइन भी है, वाटर साइन भी है, अर्थ साइन भी है, तो जोडियक साइन यहाँ सारे ही मौजूद हैं, स्पेसिफिक जोडियक साइन नहीं बताऊँगी। या गाइज आई होप रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, मुझे ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।